प्लीज सब्सक्राइब हिंदुस्तानी जायका और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिंदुस्तानी जायका। और आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमने 1/2 kg कीमा लिया है। आप बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का कीमा भी ले सकते हैं। 1 tablespoon हमने भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर बना लिया है। 1 tablespoon हमने धनिया बारीक काट लिया है। 1 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। 1 medium प्याज ली थी हमने, उसको बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, इनको बारीक काट लिया है। 2 teaspoon हमने अदरक लिया है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। और मसालों में हमने लिया है 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, नमक हमने 1 teaspoon लिया है। आप जायके के हिसाब से डालें इसमें टेस्ट करके। 1 teaspoon खसखस का पाउडर ले लें आप, इसको पेस्ट भी बना सकते हैं। अब कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1 प्याज ली थी मीडियम प्याज, इसको पेस्ट बना लिया है इसका। 2 teaspoon हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 medium टमाटर लिया है, इसका छिलके उतार कर इसका पेस्ट बना लिया था हमने, तो उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है टमाटर के पेस्ट से। ग्रेवी के मसालों के लिए हमने लिया है 1 teaspoon हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 teaspoon हम कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला, नमक हमने 1 teaspoon लिया है, और ये 2 teaspoon हमने काजू का पाउडर लिया है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये गरम मसाला साबुत लिया है हमने 1 teaspoon, इसमें ज़ीरा है और दालचीनी का 1 stick है और 2 हरी इलायची है छोटी और 2 से 3 हमने लौंग ली है और 1 cup हम ऑयल ले लेंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हमने प्याज काटी थी बारीक चॉप की थी 1 medium, ये इसमें ऐड कर देंगे। कटा हुआ हरा धनिया ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, और ये अदरक काटा था हमने 2 teaspoon ये ऐड कर देंगे। हरी मिर्च 2 से 3 हरी मिर्च हमने काटी थी बारीक, वो ऐड कर देंगे। और ये जो चना भुने हुए चने का हमने पीस इसको बारीक पीस लिया था, ये ऐड कर देंगे इसमें। ये हमारे मसाले हैं, गरम मसाला 1/2 teaspoon और 1 teaspoon लाल मिर्च और नमक, और ये खसखस का पाउडर है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। नमक हम चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो इसमें और ऐड कर देंगे नमक। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। ये हम बॉल्स बना लेंगे इस साइज में और इस तरह से। ये देखिए हमने कोफ्ते बना लिए हैं, अब एक वाली बॉल्स बनाए हैं, अब इसकी सब बराबर होनी चाहिए। तो अब हम एक पैन ले लेंगे और उसको गरम कर लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। ये हमने 1.5 cup ऑयल ले लिया है, हमने इसमें कोफ्ते को फ्राई करना है, तो ये ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। देखिए ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हम 1 by 1 ये कोफ्ते ऐड कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और ये हम ऐड कर देंगे इसमें। ये हमने डाल दिया इसके अंदर और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, बाकी तो ये मसाले में ही जाके इसको ये गलेंगे अच्छी तरह से। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये 1 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लिया है और अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने 1/2 cup ऑयल डाल दिया है।
अब ऑयल गरम होने देंगे और फिर उसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। ये ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम ये साबुत गरम मसाला डाल देंगे। अब इसमें हम ये प्याज का पेस्ट डाल देंगे। फ्राई कर लेंगे इसको। ये प्याज का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है, एक मिनट तक हमने फ्राई कर लिया था इसको। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है एक मिनट तक, और इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे अब, और इसको भी भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, एक से दो मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। अब इसमें हम जो हमारे सारे मसाले हैं ये ऐड कर देंगे, नमक मिर्च हल्दी धनिया और काजू का पाउडर और गरम मसाला, ये सब ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से अब भून लेंगे। तेल जब तक ऊपर आ जाएगा तब तक इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है, तेल ऊपर आ गया है इसमें। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसमें हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर दिया था, अब लास्ट में हम इसमें जो हमारे फ्राई करे हुए कोफ्ते थे वो ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और इसको थोड़ा तेज़ चला लेंगे, थोड़े मिक्स हो जाएंगे, और इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे, तो अच्छी तरह अंदर तक पक जाएंगे कोफ्ते और हमारा ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे और अब हमने इसको बंद कर दिया है, कोफ्ते हमारे रेडी हैं, अब इनको हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इनको। देखिए कोफ्ते रेडी हो गए हैं, हमने इनको हरे धनिया से गार्निश कर दिया है, और आप भी ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि हमारी सारी रेसिपीज़ आपको मिल सके। आफिया दानिन अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। चलो बच्चों टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं ये कोफ्ते। बच्चे कोफ्ते ऐसे खा रहे हैं जैसे रसगुल्ला खा रहे हो। बहुत टेस्टी बना है।